जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर थैंक यू सो मच आप सभी का दिल से। इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं कि हमें देख करके बहुत खुशी होती है, हम बहुत मोटिवेट होते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार। डियर, आज हम इस रीडिंग में बात करेंगे कि जब आपके पर्सन किसी तकलीफ़ में होते हैं तो उन्हें सबसे पहले किसकी याद आती है, उन्हें ज़्यादा ऐसे लगता है कि किससे बात करें। आपके पर्सन को जब कोई तकलीफ़ होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो किससे बात करने की कोशिश करते हैं, किससे बता करके उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो डियर, आज हम इस रीडिंग में ये बात करने वाले हैं और आपको दो पायल में से एक पायल चूज़ करना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखना है। और डियर, कुछ भी हो लेकिन आप उसे नेगेटिव तरह से बिल्कुल भी मत लेना, पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव ही सोचना, ठीक है? हमने इसमें टू ऑप्शन दे रखे हैं, आप जल्दी से एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, जब आपके पर्सन के लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सबसे पहले ईश्वर को याद करते हैं और वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दीजिए, ये जो भी हो रहा है इसे बहुत जल्दी ख़त्म कर दीजिए। उन्हें सबसे पहले ईश्वर की याद आती है, वो सबसे पहले अपने एंजल्स को याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। और फिर वो आपसे बताते होंगे, जब वो सब कुछ ठीक हो जाता होगा तब वो आपको बताते होंगे कि उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी ख़त्म हो गई, उनकी लाइफ में बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई। तो डियर, आपके पर्सन सबसे पहले अपने ईश्वर को याद करते, उनसे प्रार्थना करते, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे अगर ठीक कर सकते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर ही ठीक कर सकते, एंजल्स ही ठीक कर सकते, और कोई नहीं कर सकता। उन्हें अपने ईश्वर पे, एंजल्स पे बहुत भरोसा है और वो ईश्वर से सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। हो सकता है कि आप भी कभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप भी अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हो और आप अपने एंजल्स के, अपने ईश्वर के बहुत करीब हो सकते हैं। तो ये आपके पर्सन तो करते ही हैं, सबसे पहले याद अपने ईश्वर को, उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है। हो सकता है कि आप भी अपने पर्सन की तरह आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप भी सबसे पहले ईश्वर को याद करते हो, एंजल्स को याद करते हो, अपने स्पिरिट गाइडर को याद करते हो, उनसे आप प्रार्थना करते हो। आप उनसे, जैसे कहते हैं ना, बहुत लोग मन्नत मांगते हैं कि ये ठीक हो जाए तो ऐसा करेंगे, इस तरह से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप किसी और से बताने से अच्छा है कि आप ईश्वर को याद करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर जाएँ, मस्जिद जाएँ, चर्च जाएँ, फिर ईश्वर से बोलें। आप जहाँ पर होते हैं आप वहीं पर ईश्वर को याद करने लगते कि प्लीज़ भगवान जी सब कुछ ठीक कर दीजिए ना, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है इसे ठीक कर दीजिए। तो इस तरह से आपके पर्सन भी सबसे पहले ईश्वर को याद करते हैं। अगर आप भी याद करते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग हैं जिनके पर्सन की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सबसे पहले अपनी मॉम को याद करते हैं, उनकी जो माँ है वो अपनी माँ को बताते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम का हल उनकी माँ कर सकती है, तो इसलिए सबसे पहले वो अपनी माँ को बताते हैं। अपनी माँ को वो अपनी प्रॉब्लम बता करके बहुत सुकून महसूस करते हैं, वो कुछ करें या ना करें लेकिन है? जब वो अपनी माँ से अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है कि आधी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, कोई टेंशन नहीं होती है। जैसे बहुत छोटी सी प्रॉब्लम होती है और वो उसे बहुत टेंशन लेने लगते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, तो जब वो अपनी माँ को बता देते हैं या फिर बता देती है, मेल फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, तो डियर जब वो अपनी माँ को बता देते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है,
जो भी टेंशन थी ख़त्म हो गई। उनकी माँ सिर्फ इतना ही बोल देती हैं कि टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, तो उन्हें ऐसा लगता है कि सारी टेंशन गायब हो गई, कोई भी टेंशन नहीं है। तो डियर, आपके पर्सन अपनी माँ के बहुत करीब है। आपके पर्सन अपनी माँ को याद करते हैं। उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी तकलीफ आती है उनकी ज़िंदगी में, तो सबसे पहले वो अपनी माँ को याद करते हैं। अपनी माँ से बहुत अटैच है वो, और अगर उनकी माँ को कोई तकलीफ़ होती है तो वो भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो डियर, आपके पर्सन की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो सबसे पहले हर किसी से सबसे पहले वो अपनी माँ को बताना सही समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो भी होगा वो सही होगा, उनकी माँ जो भी उनसे बोलेंगी वो सही बोलेंगी, कुछ भी उनके साथ गलत नहीं होने देंगी, इसीलिए वो सबसे पहले अपनी माँ से बताते हैं। अपनी माँ से हर एक प्रॉब्लम शेयर करके उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। तो डियर, आपके पर्सन अपनी माँ से हर एक प्रॉब्लम शेयर करते हैं। उन्हें किसी भी प्रॉब्लम में अगर किसी की याद आती है तो सबसे पहले अपनी माँ की याद आती है, वो सबसे पहले अपनी माँ को याद करते हैं। कुछ लोगों के पर्सन हैं जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले वो अपने भाई को याद करते हैं, अपने भाई को फ़ोन करते हैं। अगर उनके भाई छोटे हैं तो बोलते हैं, हाँ भाई छोटे मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी से आ जा। तो इस तरह से हो सकता है कि उनके भाई बड़े हों या फिर छोटे हों, तो डियर वो अपने भाई से बिल्कुल दोस्ती वाला रिश्ता निभाते हैं, और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे पहले अपने भाई को याद करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए उनके भाई के पास उसका सोल्यूशन होता ही है, उनका भाई उस प्रॉब्लम को बहुत जल्द ख़त्म कर देगा या फिर कोई भी ऐसी बात बता देंगे जिससे उन्हें टेंशन नहीं होगी। तो डियर, उनके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे पहले अपने भाई को याद करते हैं। उनके भाई से उनका दोस्ती का भी रिश्ता है, भाई का भी रिश्ता है, वो अपने भाई के बहुत क्लोज है, अपने भाई से अपनी प्रॉब्लम बता करके बहुत सुकून महसूस करते हैं। आपके पर्सन के लाइफ में कोई भी तकलीफ आती है तो सबसे पहले वो अपने भाई को याद करते हैं। उन्हें अपने भाई पे पूरा भरोसा है कि जो भी करेंगे सही करेंगे, जो भी बोलेंगे सही बोलेंगे, उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। इसलिए डियर, आपके पर्सन की लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले वो अपने भाई को याद करते हैं। कुछ लोगों के पर्सन हैं जिनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो आप उन्हें बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि आप उन्हें कॉल कर देते हो कि सब ठीक तो है, आप ठीक तो हैं। आपको महसूस होने लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में लग रहा कोई प्रॉब्लम है या कोई टेंशन है, या फिर वो आपको कॉल करें या ना करें, फिर भी आप उन्हें बहुत अच्छे से समझ जाते हो। उनकी एनर्जी आपको महसूस होने लगती है, आप बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं कि कुछ टेंशन है, कुछ गलत हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप तुरंत उनको याद करने लगते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उनकी लाइफ में कोई टेंशन तो नहीं आ गई। तो फिर आप उनसे बात करते होंगे, आप उनसे पूछते होंगे कि सब ठीक तो है, तो वो समझ जाते होंगे कि आपको कैसे पता चल जाता है, आपको बताया भी नहीं और पहले भी कुछ ऐसा था नहीं जो आपको महसूस हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है और तुरंत आपकी कॉल आ जाती है। आप उन्हें इतने अच्छे से कैसे जानते हैं, आप जैसे लगता है उनके साथ रहते हैं, आपको बहुत जल्दी पता चल जाता है। तो डियर, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमेशा उनके साथ रहते हैं, आप हमेशा उनके पास रहते हैं, आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आपको महसूस हो जाती है। तो वो अगर उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपको बता देते हैं, क्योंकि आपको महसूस हो जाती है, आप उन्हें कॉल करते हैं या फिर मैसेज करते हैं, आप उनसे पूछते हैं, तो डियर वो आपको बता देते हैं। तो उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है वो अगर आपको बताना भी ना चाहे तो भी वो आपको बता देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं बतानी चाहिए, आपको भी टेंशन होगी, मगर फिर भी आप उन्हें कसम देते होंगे, आप उनसे पूछते होंगे बार बार कि कोई टेंशन है, आप उनकी बात से पहचान जाते होंगे इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, तो डियर वो आपको बता देते हैं। तो आपके पर्सन की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो आपको बता देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा आप उनके साथ रहते हैं, आप उनके साथ रहते हैं,
आपको सबसे पहले पता चल जाता है कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, वो कोई टेंशन में है, और आप उनसे ऐसे बात करते हैं, आप उन्हें ऐसे समझाते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि कितना खुश नसीब हूँ, उन्हें ऐसा लगता है कि वो कितनी किस्मत वाले हैं कि उन्हें आप मिले हैं। आप उनसे रूह से जुड़े हैं, आप उन्हें इतने अच्छे से जानते हैं। उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है ना, कोई भी टेंशन आती है, तो आप हमेशा उनके साथ होते हैं। आप उनको महसूस कर पाते हैं, आप उनकी टेंशन को, उनकी खुशी को महसूस कर पाते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो डियर, वो अपने आप को बहुत लक्की मानते हैं कि आप उन्हें मिले हैं। तो उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आपको बता देते हैं। उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है आपसे बात करके, उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपसे मिले हैं। तो डियर, आपके पर्सन की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर वो आपको ना भी बताना चाहें तो आप उनसे पूछ ही लेते हैं, और सबसे पहले वो आपको बता देते हैं। इसके बाद वो फिर अपनी फैमिली को बताते हैं, लेकिन आपकी कॉल टाइम पे पहुंच जाती है या फिर मैसेज, तो डियर वो आपको बता देते हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। अगर उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जान जाते हैं, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो जान जाते हैं। हो सकता है कि वो आपसे पूछते हो ज़्यादा, पर आप ना बताते हो, आपको लगता है कि इनको तकलीफ़ होगी इसलिए आप उनसे छुपा लेते हो। तो इस तरह से डियर, आपके पर्सन आपको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता देते हैं और आप भी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप भी उनसे दिल से जुड़े हुए हैं, आपको उनकी एनर्जी महसूस हो जाती है। आप दोनों का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या फिर ट्विन सोल कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि जिनका ट्विन सोल कनेक्शन होता है उन्हें एक दूसरे की एनर्जी महसूस होती है। अगर उनका ट्विन किसी टेंशन में है तो आपको भी टेंशन हो जाती है, आपके पास कोई बात हो या ना हो फिर भी आपको टेंशन हो जाती है, आपको सैड फील होने लगता है। तो डियर, आप ट्विन सोल जर्नी में भी हो सकते हैं, आपका और आपके पर्सन का ट्विन सोल रिश्ता हो सकता है। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि कौन क्या कह रहा है तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे, तो फिर उनका काम उनको करने दीजिए, और आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल की सुनिए, अपने दिल की करिए, जो आपका दिल कहता है आप वो करिए, और हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए, परिस्थिति कोई भी हो, और आप जो चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अगर आपको हमारी ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, जब आपके पर्सन की लाइफ में कोई तकलीफ आती है, कोई प्रॉब्लम होती है उन्हें, तो वो सबसे पहले किसे याद करते हैं, वो किससे बात करते हैं? आपके पर्सन की लाइफ में कोई तकलीफ़ आती है तो सबसे पहले वो अपनी बहन से बात करते हैं, अपनी सिस्टर से बात करते हैं। वो अपनी सिस्टर के बहुत करीब हैं। उनकी लाइफ में कोई खुशी हो या फिर गम, उन्हें ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ का सोल्यूशन उनकी बहन के पास है। वो उनसे बात करके बहुत सुकून महसूस करते हैं। सबसे पहले वो अपनी बहन को, अपनी सिस्टर को सारी बातें बताते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी हो या फिर किसी और की हो, किसी भी तरह की उनकी लाइफ में टेंशन होती है, प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले वो अपनी सिस्टर को बताते हैं। वो अपनी सिस्टर के बहुत करीब हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अपनी सिस्टर से बताएंगे तो वो सही बताएंगी, जो भी सोल्यूशन देंगे सही देंगे, वो हमेशा उनके लिए सही करते हैं जो भी करते हैं। तो डियर, आपके पर्सन सबसे पहले अपनी सिस्टर को याद करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी तकलीफ में सबसे पहले वो अपनी बहन को याद करते हैं और अपनी बहन को कॉल करते हैं, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज़ हैं। उनकी सिस्टर भी उनसे बहुत प्यार करती है और वो भी अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी सिस्टर
उनसे बहुत प्यार करती है और उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है। उनकी लाइफ में कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उन्हें कॉल करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इनसे बात करके बहुत अच्छा होगा। अगर अपनी बहन को बताएंगे या बताएंगी, ये मेल या फिर फीमेल दोनों हो सकते हैं, तो डियर उन्हें ऐसा लगता है कि अपनी सिस्टर से एक बार बात कर लेनी चाहिए। उन्हें सबसे पहले अपनी सिस्टर की याद आती है। डियर वो सबसे पहले अपनी सिस्टर को कॉल करते हैं या फिर उनसे बात करते हैं, लेकिन उन्हें जो सबसे पहले याद आती है वो अपनी बहन की याद आती है। किसी भी प्रॉब्लम में अगर किसी भी तरह से उनसे बात नहीं होती तो डियर उन्हें जो सबसे पहले याद आती है तो फिर उनकी सिस्टर की याद आती है और वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी पर्सन की लाइफ में कोई तकलीफ़ होती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपको याद करते हैं, वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि वो अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स आपसे बता दें कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। फिर वो सोचते हैं कि आपको भी टेंशन हो जाएगी, फिर आप भी बहुत टेंशन लेंगे कि क्या होगा कैसे होगा, तो फिर उन्हें लगता है कि आपको टेंशन देना ठीक नहीं है। लेकिन उन्हें याद आपकी आती है सबसे पहले। हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन उनसे बात ना कर रहे हों क्योंकि उनकी लाइफ में टेंशन बहुत ज़्यादा चल रही है। उनकी फैमिली से भी हो सकता है कि उनकी टेंशन हो, उनकी फैमिली में किसी से भी कोई बात हो गई हो, हो सकता है कि उनकी किसी से बात ना हो रही हो, तो डियर वो आपसे ज़्यादा बात ना कर रहे हो, लेकिन वो आपसे बताना चाहते हैं कि उनको बहुत तकलीफ़ है, उनकी लाइफ में बहुत सारी टेंशन है, इस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन वो आपको बताते नहीं हैं, आपको बताना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि आपसे अपनी टेंशन के बारे में बता चुके हों, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में कोई भी टेंशन होती है तो वो आपको बताना चाहते हैं। उनको सबसे पहले आपकी याद आती है कि आप कितने अच्छे हैं, आप उन्हें कितने अच्छे से समझते हैं, आप उन्हें समझ जाते हैं। उनकी लाइफ में कोई भी टेंशन होती है वो आपसे शेयर करते हैं तो आप उन्हें बहुत अच्छे से समझाते हैं, आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं। तो डियर वो सबसे पहले आपको याद करते, आपसे बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन अभी उनसे बात नहीं कर रहे, हो सकता है कि थोड़ी थोड़ी बात कर रहे हो, ज़्यादा बात ना करते हों क्योंकि उनके पास अभी बहुत टेंशन है, इस वजह से वो हमेशा सैड एनर्जी में रहते हैं। उन्हें लगता है क्या बात करूँ, क्या बोलूँ, सब ठीक होगा कि नहीं ठीक होगा, कैसे होगा, तो इसलिए डियर वो अभी टेंशन में रहते हैं। लेकिन उनकी लाइफ में जो भी टेंशन है वो आपसे बताना चाहते हैं और उन्हें सबसे पहले आपकी याद आती है। उनकी लाइफ में कोई टेंशन होती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार आपसे बात कर ले सब कुछ ठीक महसूस होगा उन्हें, तो डियर वो आपसे बात करने की कोशिश भी करते हैं। हो सकता है किसी वजह से वो बात ना कर पाते हो या फिर उन्हें ऐसा लगता हो कि आपको बताएंगे तो आप भी टेंशन लेंगे, लेकिन डियर उनकी लाइफ में कोई भी टेंशन होती है तो सबसे पहले वो आपसे बात करने की कोशिश करते, आपको याद करते हैं। कुछ लोगों के पर्सन हैं जिनके फ्रेंड्स हैं, हो सकता है कि बचपन के फ्रेंड हो सकता है कॉलेज के फ्रेंड हो, स्कूल के फ्रेंड हो, तो डियर उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उन्हें लगता है कि फैमिली को बताएंगे तो फिर फैमिली भी टेंशन लेगी, हो सकता है कि उनकी फैमिली उनको ही डांटे, इसलिए डियर वो सबसे पहले अपने दोस्त लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। उन्हें सबसे पहले अपने फ्रेंड्स की याद आती है। तो डियर आपके पर्सन की लाइफ में कोई भी तकलीफ़ होती है तो सबसे पहले उन्हें जिसकी याद आती है वो उनके फ्रेंड्स हैं। उनके फ्रेंड्स हमेशा उनके साथ होते हैं, उनकी खुशी में भी और उनके दुख में भी हमेशा उनके साथ होते हैं। उनके साथ ऐसे होते हैं कि जैसे उनसे कभी अलग नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो तो वो अपने फ्रेंड से बता सकते हैं, कैसी भी प्रॉब्लम हो, तो डियर वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं। उन्हें बहुत अच्छा महसूस होता है अपने फ्रेंड से अपनी प्रॉब्लम शेयर करके। तो डियर आपके पर्सन को सबसे पहले जिनकी याद आती है वो उनके फ्रेंड्स हैं। कुछ लोगों के ऐसे हैं जिनको कोई भी टेंशन होती है उनको आपकी याद आती है, वो आपको कॉल करते हैं। हो सकता है कि उस टाइम आपसे उनकी बात ना होती हो या फिर आपको उनकी याद आती हो और आप उन्हें कॉल करते हो, आपकी लाइफ में कोई टेंशन होती हो तो आप उन्हें कॉल करते हो, तो उस टाइम उनसे आपकी बात ना होती हो और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तब फिर बात होती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि याद तो आती है लेकिन उस टाइम कभी बात नहीं होती है। सबसे पहले कोई तकलीफ़ होती है, कोई बात होती है आपको या फिर आपके पर्सन को याद आती है
कि आपसे बात कर लें आपके पर्सन, तो आपसे बात नहीं होती उनकी, लेकिन उन्हें सबसे पहले याद आपकी आती है। कुछ लोगों के पर्सन हैं जिनकी लाइफ में कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम होती है तो उन्हें सबसे पहले पैसों की याद आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी टेंशन हो कोई भी प्रॉब्लम हो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो अगर पैसे पास में हैं तो सब कुछ ठीक हो सकता है, अगर पैसे हैं साथ तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकती है। तो डियर कुछ लोगों के पर्सन हैं जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि पैसे से सब कुछ ठीक हो सकता है, पैसे से कुछ भी किया जा सकता है। उन्हें कोई भी टेंशन होती है तो उन्हें ऐसा लगता है बस पास में पैसे होने चाहिए, अगर पैसे हैं तो सब ठीक हो जाएगा। पैसे से कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ठीक की जा सकती है, बहुत पुराने बिगड़े रिश्ते भी ठीक किए जा सकते हैं, पैसे से सब कुछ मुमकिन है किया जा सकता है। तो डियर आपके पर्सन पैसे को बहुत इम्पॉर्टेंट देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है हो सकता है कि उनकी लाइफ का ये अनुभव भी हो कि उन्होंने कुछ ऐसा टाइम देखा हो कि जिस टाइम पे पैसे ना होने की वजह से अच्छे रिश्ते भी टूट गए हों। तो डियर उनका यही मानना है कि अगर लाइफ में पैसे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि ठीक नहीं हो सकती है, अगर पैसे नहीं हैं तो बहुत छोटी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत छोटी सी बात भी बहुत बड़ी हो सकती है। तो डियर उनका यही मानना है कि अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो पैसे होने चाहिए, अगर पैसे हैं तो सब कुछ ठीक हो सकता है, कोई भी बात आपकी गलत नहीं हो सकती है, अगर आपके पास पैसे हैं तो सब कुछ ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो डियर आपके पर्सन की लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे याद आते हैं कि पैसे हैं सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम हो वो सब ठीक हो जाती है। तो डियर आपके पर्सन को सबसे पहले पैसों की याद आती है किसी भी तकलीफ़ में। और हो सकता है कि आपको कभी कोई तकलीफ़ होती हो तो आप उनसे बोलते भी हो तो वो बोलते होंगे टेंशन मत लो सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, इतनी बड़ी ये टेंशन नहीं है। आपके पर्सन की लाइफ में कोई तकलीफ़ नहीं होगी और आपकी लव लाइफ में भी कोई तकलीफ़। डियर आप भी अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, अगर आप सोचेंगे कि कौन क्या कहता है तो फिर वो क्या सोचेंगे, उनका काम उनको करने दीजिए, आप अपने सिर्फ दिल की सुनिए, जो आपका दिल कहता है आप वो करिए, आप जो चाहते हैं उसे पॉजिटिव तरह से मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा और हमेशा आपके साथ पॉजिटिव ही होगा, हमेशा आप पॉजिटिव रहना, नेगेटिव बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट देख करके हम बहुत मोटिवेट होते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।